हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे करवा चौथ से रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करवा चौथ वाले दिन सुहागने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत या फिर उपवास रखती हैं। व्रत या उपवास को इंग्लिश में बोलेंगे फास्ट। फास्ट हमारा नेक्स्ट वर्ड है लंबी उम्र। लंबी उम्र को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी हमारा नेक्स्ट वर्ड है छलनी। छलनी को इंग्लिश में बोलेंगे सीव। सीव विवाहित जीवन को इंग्लिश में बोलते हैं मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ सुहाग को इंग्लिश में बोलेंगे वुमेन हैविंग हर हस्बैंड अलाइव। वुमेन हैविंग हर हस्बैंड अलाइव हमारा नेक्स्ट वर्ड है आशीर्वाद। आशीर्वाद देने को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग हमारा नेक्स्ट वर्ड है सौभाग्य। सौभाग्य को इंग्लिश में बोलेंगे गुड लक। गुड लक हमारा नेक्स्ट वर्ड है पवित्र धागा या फिर इसको हम लोग मोली भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सैक्रेड थ्रेड। सैक्रेड थ्रेड नेक्स्ट है पुशअप। पुशअप को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स नेक्स्ट है मिठाई। मिठाई को इंग्लिश में बोलेंगे स्वीट। स्वीट सुहागन महिला को इंग्लिश में बोलेंगे मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन ये व्रत सूर्य उदय के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। सो सूर्य उदय को इंग्लिश में बोलेंगे सनराइज। सनराइज नेक्स्ट है पूजा की थाली। पूजा की थाली को इंग्लिश में बोलेंगे वर्शिप प्लेट। वर्शिप प्लेट करवा चौथ वाले दिन सास अपनी बहू को सदगी देती है। सो सास को इंग्लिश में बोलेंगे मदर इन लॉ। मदर इन लॉ हमारा नेक्स्ट वर्ड है उपहार। उपहार को इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्ट। गिफ्ट नेक्स्ट है गड़बी। गड़बी को इंग्लिश में बोलेंगे पोर्ट। पोर्ट हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिंदूर। सिंदूर को इंग्लिश में बोलते हैं वर्मिलियन। वर्मिलियन इस दिन औरतें 16 श्रृंगार करती हैं। सो श्रृंगार करने को इंग्लिश में बोलते हैं मेकअप। मेकअप हमारा नेक्स्ट वर्ड है सर्गी। सर्गी को इंग्लिश में भी सर्गी ही बोला जाता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। गुड बाय।